किनू जिम्मेवार मानते हो जो एस जी पी सी की आप कही बई हालत होनी शुरू हो गई। कमेटी बनाने की डिमांड की सी उतों के सिखा की सी जां किसी सरकार की सी? सिखे उठे ना थोड़ी श्रोमणी कमेटी के बैठे हुए मैंबर वो उठे। श्रोमणी कमेटी की होंद को बचाने वास्ते कानूनी पक्ष के उत्ते सरकारां दा तालमेल बनाया, प्रेशर बनाया, सिर्फ अपनियां वजीरियां सत्ता सरकारां आनंद माण च मस्त हो गए। अज कमेटी जिवें धामी साहब ने दस्सिया पत्रकारां नूं भी असीं हुण 3 तरीक नूं इजलास कर रहे हां, उहदे च विचार चर्चा करांगे। की लगता फिर सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दे रहे ने, सुप्रीम कोर्ट जाएगी एस जी पी सी? दो बारी केस कर जाऊगा उत्ते हुण की करन जाणा। की लगता श्रोमणी अकाली दल दा नज़ला हुण एस जी पी सी ते वी कितना शुरू होया? भाई कोई शहीद उठा क्यों नहीं, थोते तो धरना भी ना लगे एक सिंह कोई है शंभू ये धरना ला आते शंभू तक तो चले जाते तो पंजाब इतने तक किसी ने रोकना। खुदा ना खासता कल जो दोबारा संधि होगी भाजपा श्रोमणी अकाली दल की फिर थानू मिल सकता गुरद्वारा प्रबंध वापस हरियाणा से या हरियाणा गुरद्वारा प्रबंध गड्डी खत्म हो सकती है? दिल्ली का मिल गया किन्नी बार टुटे मिले होने ये कदे होंगी होंगी गल। हरियाणा के इतिहासक गुरद्वारा साहब विखे जो घटनाक्रम वापरिया, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्टाफ की जो हालत हरियाणा गुरद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदों वालों की गई, एस जी पी सी की अंतरिम कमेटी के मैंबर भाई गुरप्रीत सिंह रंधावे वाले इस चीज़ को कितना देखते हैं, गल करते हैं। सो भाई गुरप्रीत सिंह जी, किनू जिम्मेवार मानते हो जो एस जी पी सी की आप कही बई हालत होनी शुरू हो गई? देखो जिम्मेवारियां किसी एक ते नहीं सुट्टी जा सकती, उदे हिस्से होंदे ने किसी दी वध किसी दी घट, पर जदों मुलंकण करोगे देखो सरकारां दी दखलंदाजी ये अज तो नहीं है, अज श्रोमणी कमेटी दी इलैक्शन नहीं हो रही, ये सरकार दी दखलंदाजी होया होर की कहने इहनूं, सरकारां करदियां हुंदियां ने पर करदियां कित्थे ने, जिथे तुसीं मौका दिंदे हो ते मौका की नहीं दित्ता। पहली तां गल इह आ कि कमेटी बनाउण दी डिमांड किहदी सी? उत्थों दे सिखां दी सी जां किसी सरकार दी सी? सिखे उठे ना थोड़ी श्रोमणी कमेटी दे विच बैठे हुए मैंबर वो उठे। चलो सरकारां ने पिठ थापड़ती एक्ट बन गया। मैं इत्थों शुरू करदा, भावें उहदे कारण बहुत सारे रहे, उन्हां दा दर्द आ, तुसीं उन्हां दे सिखां नूं भी पुछो भी तुसीं इह डिमांड क्यों, वो भी दसदे ने भी आ वजह रही। पर मैं इत्थों शुरू करदा कि जदों 2014 च एक्ट बन गया थोड़े को दो गल्लां सी, दो मौके सी। एक राह तां इह सी कि मोदी सरकार सेंटर विच आ गई, पंजाब दे विच तुसीं उहनां नाल पहले ही भाईवालता च बैठे सी, पार्लीमेंट च तुहाडे कोल कैबिनेट वजीरी आ गई, और हरियाणे दे विच उहनां दी सरकार आ गई। बड़ा अच्छा मौका सी तुहाडे कोल कि तुसीं इह कानून नूं केस नूं विड्रा कर सकदे सी, हरियाणा सरकार नहीं लैणा सी विड्रा करना सी, गल मुक्की सी भाईवाली। मन लो मोदी सरकार इस गल नूं मन्नी नहीं, मैं नहीं कहता कि तुसीं इस गलती क्यों अलायंस नहीं तोड़िया, बड़ियां गल्लां हुंदियां ने कई बारी जदों तुहानूं लग्गिया भी हरियाणा सरकार ने उत्थे दे सिखां दीआं वोटां लैणियां ने, मोदी सरकार इस करके इंटरफेरेंस नहीं करदी, तुसीं हजे अलायंस तोड़ना नहीं चाहुंदे। इक स्विच सिचुएशन यह बन गई ना दूसरी, उदों की सी तुसीं उहनां नूं बुलाउंदे जिहड़े केस करन वाले सी, लड़ाई लड़न वाले सी, अकाल तख्त दे थ्रू बुला लैंदे, उत्थे उहनां नूं बिठा के कहिंदे दसो भाई तुसी कमेटी ना तोड़ो, ये संस्था कमज़ोर होगी, इहनू मजबूत रखना, तुहाडी तकलीफ दसो की है। कदे भी कोई बंदा एक गल दा हिंडी नहीं हुंदा, हमेशा लै दे के थोड़ा जा मैं पिछे हटदा, थोड़ा जा तुसी पिछो, दो कदम मैं अगे हूँ, दो कदम तुसी अगे हो, कुछ तेरी कुछ मेरी, कुछ मेरी तो गल निबड़ जानी सी। हुण तुसी दोनों थोड़े फेलियर ने, ना तो तुसी श्रोमणी कमेटी की होंद नूं बचाउण वास्ते कानूनी पक्ष के उत्ते सरकारां दा तालमेल बनाया, प्रैशर बनाया, सिर्फ अपनियां वजीरियां सत्ता सरकारां आनंद माण च मस्त हो गए। नहीं लगता नंबर दो, हाँ। नंबर दो ना तुसीं टॉकिंग दे विच गए उत्थों दे सिखां दे नाल, डायलॉग भी तुसीं तां 19 तक रहे हो, कोई छोटा मोटा अरसा नहीं, दूजी बार एक सरकार तां इउं लंघी उहनां दी खट्टर सरकार, एक तां केस इदां ही लगा गई 5 साल 14 तो 19 उह तां दुबारे जद आई आ उदों उहनां ने इहनूं हथ पाया, जदों तुसीं उहनां नाल मतलब तुहाडा जो मर्जी होया तोड़ विछोड़ा कह लो, हाँ ते हुण इस करके हुण उन्हां ने हुण तुसीं जो मर्जी दलीलां मतलब देई जाओ जी इत्थे नहीं होया उत्थे नहीं होया, तो ये सारा कुछ हुण ये जिहड़ा हो गया उन्हां ने सांभ लिया। हुण तां मैं समझदा कि जदों हुण होए गया सीगा हुण ये हुण भी कोई चाहीदा सीगा, कोई रस्ता इस तरह का कढ लैणा चाहीदा सी कि जिहदे नाल
मिल बैठ के जिहड़ा कोई प्यार मुहब्बत दे नाले जिहड़ी आ गल उह बणनी आ। तो होर हुण करन नूं है की कुछ मैनूं गल दस्सो। अज कमेटी जिवें धामी साहब ने दस्सिया पत्रकारां नूं भी असीं हुण 3 तरीक नूं इजलास कर रहे हां, उहदे च विचार चर्चा करांगे। की लगदा फिर सुप्रीम कोर्ट दे केस दा हवाला दे रहे ने, सुप्रीम कोर्ट जाएगी SGPC? दो बारी केस कर जूगा उत्ते हुण की करन जाणा। हुण तां इह आ वी चलो इक अपनी आवाज़ रखण वास्ते यतन ने रखनी भी चाहिए आ। जदों मतलब मैं तो असी तो अपने आप में समझते हाँ कि साड़ी बदकिस्मती आ, लोग चा करते हैं कि असी एग्जैक्टिव मैंबर हाँ कि साड़ी ये टनेओर दे विच कैडा मंदभागा फैसला होया कि श्रोमणी कमेटी का हिस्सा जिहड़ा वो कटिया गया। तुहाडी टनेओर या धामी साहब टनेओर इस तरह भी याद रखी जाएगी, आधा हिस्सा बनया पर वो किसी चंगे काम लई नहीं बनया। नहीं लगता श्रोमणी अकाली दल का नज़ला हुण SGPC ते भी गिरना शुरू होया पिया? देखो ये तो सुभाविक है। मैं तो अमरवास साहब ये पुछदा कि जदों कोई मेरे तेरे वर्गा गल करदा कहिंदे जी अकाली दल शहीदां दी जमात आ, हुण भाई कोई शहीद उठिया क्यों नहीं? थोते तो धरना भी ना लग्या एक सिंह कोई हां शंभूए धरना ला आंदे, शंभू तक दा चले जांदे, इह तां पंजाब च सी, इत्थे तां किसे ने सी रोकणा। तुसीं सौ ही गए शहीदा की जमात का मिणे किनू मारते होने जो कोई गल सिर मतलब ठीक तरह नहीं भन सकते, अपने पड़चोल करन दी लोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल पड़चोल ये तो जी हुण सारा कुछ ये आ। मैं तो समझदा कि हुण वक्त आ कि अकाली लीडरशिप नू अपना परे हो जाना चाहिए छड के, क्योंकि ये चीज़ ने साबित कर दिता कि तुसी लीडरशिप के पक्षों तुसी बिल्कुल तुहाडा फेलियर है। तुसी ना सरकार नाल डायल करके ये कमेटी बचा सके, ना तुसी पब्लिक नाल डायल करके एक कमेटी बचा सके, तो फिर लीडर का मतलब की हुंदा? लीडर कादे वास्ते हुंदा? बिल्कुल ठीक है। SGPC गुरुद्वारा प्रबंध पंजाब च संभाल रही है, अमृतपाल सिंह भी कितना कितने गुरुद्वारों नूं ही लैके या सिख कौम की चिड़दी कलम लैके अगे चलते हैं, उन्हां दी हले तक की कारगुजारी कितना देखते हो या खासकर जनाला घटना? देखो पता गल की हुण देखो हर कोई भाई रणजीत सिंह पंथ अकाली लहर लैके चल रहे ने जी, ते मान साहब अपनी गल कर रहे ने, ठीक है जी। चिंता तो सब दे अंदर इको है ना, गुरुद्वारों नूं लैके चिंता तो ना सारे रस्ते अलग अलग ने, रास्ते भी एक हो जाएंगे, अजे कोई रास्ते एक होने वाला अजे कड़ा कोई चोण आई है जी, ठीक है। सगो अपना अपना राह लेके चले ने, मजबूत हो रहे हैं, लोग तो जुड़ ही रहे ना सब नाल, थोड़े के ना बहुते। तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं लैके जी फिर पुलिस प्रशासन नाल डांग दे जोर ते अगे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी, ये तुहानूं उहनां दी साजिश लगदी है? नहीं साजिश कोई नहीं हुंदी, कई बारी हालात कुछ ऐसे होंदे ने, हालातों के अगे आ के तुसीं बेबस हो जांदे हो कई बार, खास करके जदों बंदा किसी लड़ाई दे विच खड़ा होवे, उदों जंग दे और प्यार दे विच कहिंदे ने भी हर चीज़ जायज़ लगन लग जाती है। तो कई बार सानूं दर्शकों नूं लगता इदां नहीं आंदा, जिहड़ा बंदा जिहदे सिर ते पई हुंदी आ उह उहनूं लगता कि मैं ये लड़ाई इस तरीके नाल ही लड़ सकदा। और जे लड़ाई देखो दूसरी गल पुलिस ने कहता भी हाँ बंदा भी छड़ता परचा ही वापस ले लिया, फिर धक्का क्यों कर रही है पुलिस भाई? अच्छा की लगता है खुदा ना खासता कल जो दोबारा संधि होगी भाजपा श्रोमणी अकाली दल की, फिर थानू मिल सकता गुरुद्वारा प्रबंध वापस हरियाणा दे या हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी खत्म हो सकती है? गल दिल्ली का मिल गया किन्नी बार टुटे मिले होने, ये कदे होंदी होंदी गल, जो हो गया सो हो गया। सो भाई गुरप्रीत सिंह रंधावे वाले ने साफ किया हैगा कि दो बार केस पहला भी हो चुका है, तो हुण जो हो रहा है कितना कितने उही है कि सरकारां जदों चाहण तां सब कुछ हो जांदा। उसे कड़ी दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या प्रबंधन जिहड़ा हरियाणा सीगा वह खत्म होने की एक कड़ी इदां शुरू की गई है, गुरद्वारा साहब च वड़ के ताले तोड़ के कब्जे लिते गए ने, कितना कितने श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा नज़ला हुण SGPC ते भी इस तरह दिख रहा है। भाई अमृतपाल की गतिविधियां कितना कितने भाई गुरप्रीत सिंह रंधावे वाले ने जायज़ ठहराया। विजय मोहन के नाल बलजीत परवाह, सकरोल पंजाब, चंडीगढ़।